हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज का सेशन आपके करियर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपने देखा है, हमें ज़िंदगी भर कोई ना कोई काम करना है। काम करने के पीछे हमारा जो मकसद रहता है, अपने जो सर्वाइवल है, प्लस अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो डिज़ायर्स हैं, अपने जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए। काम करने के लिए हम किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सिस्टम का पार्ट बनते हैं। आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियों को चेंज किया। आज हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए ग्रुप की बात करने जा रहे हैं। ये कितना बड़ा ग्रुप है, क्या है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सेटअप है, क्यों आपको इसके साथ जुड़ना चाहिए, और ये कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड आई एम श्योर कि इस सेशन को पूरा देखने समझने के बाद यू विल फील प्राउड कि इतने बड़े सिस्टम का आप पार्ट बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे बहुत बड़ा जो रोल होने वाला है, जो उसका जो बेस बनने वाला है, वो बेस मैटर करता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं उसका क्या बेस है, उसकी क्या कैपेसिटी है। आप ऑब्वियसली मेहनत करेंगे, मेहनत करके कभी भी आप एक लिमिट से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अपनी अर्निंग आप बढ़ा सकते हैं कुछ लिमिट तक, बट वो कितनी बढ़ा सकते हैं ये प्योरली डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, उसकी कैपेसिटी पे। आज हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ओवरऑल एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, क्या सेटअप है, कैसे आप इसका पार्ट बनके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। रेडी हैं आप लोग? हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको शुरू किया था मिस्टर रैक्स ने 1978 में। ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी। आज अगर बात करें तो $1.5 बिलियन से ज़्यादा के एसेट्स हैं। वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर है वो $4 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। कैश रिच कंपनी है, कोई डेट नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और आज 160 प्लस कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। 44 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, एक जनरेशन से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। रेक्सर ने जब इसको शुरू किया था, इसकी शुरुआत के बारे में डिस्कस करते हैं। रेक्सर के बारे में अगर जानना चाहें, रेक्सर 1960s में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। 13 साल मेहनत करके उन्होंने वहाँ पर एज ए वाइस प्रेजिडेंट का अहदा संभाला। साथ ही उनको रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज थी, उन्होंने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, कुछ रेंचेज में भी इन्वेस्ट किया, और साथ साथ वो बहुत चैरिटी में बिलीव करते थे, चैरिटी करते रहते थे, बहुत सारी चैरिटी एक्टिविटीज़ का भी पार्ट थे। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रियलाइज़ किया कि दुनिया में आज लोगों को सबसे बड़ी जो दो इश्यूज़ हैं, वो पहला इशू है लोगों को हेल्थ, और दूसरा इशू है लोगों को फाइनेंशियल इशूज़ हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स लोग मीट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करना चाहते थे। फाइनली उन्होंने एक ऐसे बिजनेस प्लान के ऊपर काम किया जो लोगों को ये दोनों चीज़ें दे सकता था। उन्होंने एक बिजनेस प्लान ऐसा डिज़ाइन किया कि जिसमें लोग अपनी एफर्ट करके, मेहनत करके कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, प्लस उसको बाइंड किया कुछ ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ कि लोग उन प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। इस तरह से फॉरएवर लिविंग की शुरुआत हुई। फाइनली 1978 में रेक्सर ने 43 लोगों को इनवाइट किया फिनिक्स एरिजोना में, और उनके साथ इस बिज़नेस आइडिया को डिस्कस किया, और धीरे धीरे फॉरएवर की शुरुआत हुई। आज फॉरएवर, जैसे मैंने बताया, 160 प्लस कंट्रीज़ में पहुंच चुकी है लास्ट 44 इयर्स में, और रेक्सर इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट के साथ। आज रेक्सर के जाने के बाद मिस्टर ग्रेग मॉन जो हैं, उनके बेटे हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन डे बाई डे ग्रो करती जा रही है दुनिया भर में, और आज पूरी दुनिया में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम कर रही है। लाखों लोग इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं और करते जा रहे हैं डे बाय डे। अब हम फॉरएवर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फॉरएवर के इस हेडक्वार्टर से, जो फिनिक्स एरिजोना में है, और यहाँ पे जो पूरी दुनिया का हमारा जो बिजनेस मैनेज किया जाता है, वो जो एग्जीक्यूटिव टीम है जो सारी प्रोसेस को हैंडल करती है, वो यहाँ बैठती है। आई वॉज़ फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को यहाँ जाने का मौका मिला, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत बड़ी ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये सारी टीम बैठती हैं, पूरे सिस्टम को मैनेज करती हैं, और वहाँ जाके पूरे सिस्टम को देखना, एक्सपीरियंस करना, रेक्सर को मिलना, उनके पर्सनल कैबिन में जाना, उनके साथ डिस्कशन करनी, और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। ये बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉरएवर का। जब भी ऐसे जो टूर आते हैं हमारे USA के, तो फॉरएवर ये कोशिश करती है कि आपको फॉरएवर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया जाए। फ्यूचर में आपको भी मौका मिल सकता है ये सारी चीज़ें देखने का। बहुत ही अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके साथ ही हमारे और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं। जैसे मैंने बताया, 160 प्लस कंट्रीज़ में फॉरएवर ऑपरेट करती है, और 160 प्लस कंट्रीज़ में हमारे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, और यू विल बी सरप्राइज कि उनमें बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं, काफ़ी सारे ऑफिसेज फॉरएवर के अपने ओन्ड ऑफिसेज हैं। जैसे फॉरएवर का इंडिया का हेडक्वार्टर जो है बॉम्बे में, बांद्रा में,
वो कंपनी की ओन्ड बिल्डिंग है और मेरे को वहाँ पे भी जाने का मौका मिला, उसको देखने का, वहाँ सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको देखने का मौका मिला। ऐसे ही और काफ़ी सारे ऑफिसेज में हमने विज़िट किया, फॉरएवर सिंगापुर ऑफिस, वो भी फॉरएवर की अपनी ओन्ड बिल्डिंग है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में फॉरएवर यूके का ऑफिस, सो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग हैं जो फॉरएवर खुद ओन करती है। प्लस पास्ट में हमें काफ़ी सारे ऑफिसेज में विज़िट करने का मौका मिला, दुबई में हम गए, ग्रीस ऑफिस में हम गए, मैक्सिको के ऑफिस में भी हम गए। सो ये ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहीं बैठे आप पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। 160 प्लस कंट्रीज़ में ये बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, यहीं बैठे आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो रिलेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कनेक्ट करके अपने बिज़नेस को ग्लोबली ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीज़ें फ्यूचर में जैसे जैसे हमारे ये इंसेंटिव्स आते हैं, आपको भी आने का, देखने का मौका मिल सकता है। आपने सुना होगा फॉरएवर में प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, फॉरएवर के पास अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि प्लांटेशन से लेके प्रोसेसिंग पैकेजिंग करके हमारे तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का जितना भी ये सिस्टम है, फॉरएवर उसको खुद कंट्रोल करती है। सो अब हम बात करते हैं फॉरएवर की प्लांटेशंस की। फॉरएवर खुद एलोवेरा की प्लांटेशन करती है, हज़ारों एकड़ लैंड है डैलस टेक्सस में एंड डोमिनिकन रिपब्लिक में, जहाँ पे नेचुरल तरीके से जो एलोवेरा की जो बेस्ट वैरायटी है एलो बावरडेंसिस मिलर, उसकी खेती की जाती है। किसी तरह का कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता, कोई हर्बिसाइड यूज़ नहीं किया जाता, नेचुरल वाटर के साथ ही सारी कल्टीवेशन प्रोसेसिंग की जाती है, कोई पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे, बेस्ट प्लांट की खेती की जाती है और जो मैच्योर प्लांट हो जाते हैं उन्हीं को ही हार्वेस्ट किया जाता है और उसी से जेल को, सिर्फ जेल को यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस को हम स्टेबलाइज़ करते हैं, स्टेबलाइजेशन प्लांट है वहाँ पे, और विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड हम उस जेल को स्टेबलाइज़ कर लेते हैं। सो इसीलिए हम वन ऑफ द सेफेस्ट एलोवेरा जेल बना रहे हैं और ये इतनी बड़ी प्लांटेशन है जो 160 प्लस कंट्रीज़ को, ये पूरी दुनिया में ये एलोवेरा को पहुंचा रही है, उसको सर्व कर रही है। पास्ट में मंदीप सर को और हमारे काफ़ी सारे टीममेट्स को इस प्लांटेशन को देखने का भी मौका मिला। बहुत बड़ा ये लैंड बैंक है जहाँ पे ये प्लांटेशन की जाती है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितने नेचुरल और हाइजीनिक तरीके से ये सारी खेती की जाती है। नेक्स्ट है एलोवेरा ऑफ अमेरिका, ये एक बहुत बड़ा प्लांट है, प्रोसेसिंग यूनिट है डैलस टेक्सस में। एलोवेरा जब खेतों से आता है हार्वेस्ट होके, स्टेबलाइज होके, उसको प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, एलो ड्रिंक्स हैं और एलो बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर के, स्किन केयर के, वो सारी प्रोसेसिंग इस प्लांट में की जाती है। ये बहुत बड़ा प्लांट है, इसके अंदर सारा जो प्रोसेस है वो रोबोटिक प्रोसेस है, विदाउट ह्यूमन टच सारी चीज़ें प्रोसेसिंग उसमें चली जाती हैं और प्रोसेस होके, प्रोडक्ट बनके, पैक होके, शिपिंग तक के लिए जो पैकिंग है वो बनके निकल के आती है। मेरे को यहाँ पे दो बार जाने का मौका मिला, मदीप सर भी जा चुके हैं दो बार और बहुत सारे हमारे टीममेट्स भी इस सारे प्रोसेस को देख चुके हैं। बहुत बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं और बहुत सारी सेफ्टी रेटिंग्स, बहुत सारी सेफ्टिंग मेजर यहाँ पे किए जाते हैं। सो वहाँ पे जब जाते हैं तो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस वहाँ पे रहता है, इतने हाइजीनिक तरीके से हमें वहाँ पे लेके गए, उसको सारे प्रोसेस को हमने देखा, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो सारे प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिकली रोबोटिक सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होते जा रहे हैं। ये फॉरएवर का एक बहुत बड़ा यूनिट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, पैक किया जाता है और पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो पूरी दुनिया में इन प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं। सो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरएवर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और यही रीज़न है कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज़ में पहुँच चुकी है और डे बाय डे ये ग्रो करती जा रही है। नेक्स्ट है फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल। फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल हमारा एक प्लांट है फिनिक्स एरिजोना में, जहाँ पे हमारे सप्लीमेंट्स जो है वो उनकी प्रोसेसिंग होती है। हमारे सप्लीमेंट्स, प्रोटीन और फॉरएवर आरजी प्लस, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट वहाँ पे बनते हैं। ये अगेन काफ़ी बड़ा प्लांट है, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको जो प्रोसेस किया जाता है, उनके ऊपर जो रिसर्च की जाती है, उसके बाद उनको सप्लीमेंट बनाने तक का जो प्रोसेस है वो सारा यहाँ पे किया जाता है। सारे इंग्रेडिएंट जो हैं उनको बहुत सारी टेस्टिंग के अंदर से गुजरना पड़ता है। 150 से लेके अराउंड 300 तरह के अलग अलग टेस्ट हैं जिनको पास करने के बाद कोई भी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। तो सारे टेस्ट जब क्लियर हो जाते हैं उसी के बाद उसको प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है और ये सारा कुछ टेस्ट करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए फॉरएवर की अपनी लैब्स हैं जो ISO सर्टिफाइड लैब्स हैं और ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता है। मेरे को, मंदीप सर को और हमारी टीममेट्स को, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जाने का मौका मिला, ये सारे प्रोसेस को देखने का मौका मिला। बहुत ही ज़्यादा हाइजीन और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगेन बड़े नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट में सारा प्रोसेस किया जाता है। सो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है फॉरएवर का पार्ट बनके इन सारी चीज़ों को देखना और उस समय प्राउड फील होता है कि आप इतने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और इतने हाइजीनिक और इतने सेफ प्रोडक्ट आप यूज़ कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली को यूज़ करा पा रहे हैं।
बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इन प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, ये सारी रिसर्च फॉर्मुलेशन के ऊपर वो काम करते हैं और काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद वो फाइनली एक प्रोडक्ट को शेप देते हैं। उसके बाद उसकी काफ़ी टेस्टिंग वो खुद अपने प्रोसेस में करते रहते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट जब बन के आता है सो वो वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसीलिए फॉरएवर आज दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है, लाखों लोग इन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और सेफली इन प्रोडक्ट को यूज़ करके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी ले रहे हैं। नेक्स्ट है फॉरएवर डायरेक्ट। फॉरएवर डे बाय डे ग्रो कर रही थी और पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, दुनिया भर में लाखों लोग इन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे और फाइनली फॉरएवर ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी नीदरलैंड में। नीदरलैंड में फॉरएवर ने फॉरएवर डायरेक्ट को सेटअप किया। ये एक ऐसा वेयर हाउस है जहाँ पे अराउंड 100+ कंट्रीज़ को ये प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं। ये फॉरएवर का एक बेस वेयर हाउस यहाँ पे बना दिया गया जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ को, यहाँ पे जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं उनको ये फॉरएवर के जितने ये प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई किया जाता है। ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगेन लेटेस्ट हाई क्वालिटी रोबोट्स हैं, वो सारे प्रोसेस के थ्रू पैक करके इन प्रोडक्ट को अलग अलग एरिया में शिपमेंट करते हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जीरो एरर पे यहाँ पे काम होता है और ये प्रोडक्ट सिर्फ एक नहीं 100+ कंट्रीज़ को यहाँ से पहुँचाए जाते हैं, इंडिविजुअल शिपमेंट्स भी यहाँ से होती हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेटअप किया गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको और स्ट्रेंथन किया जाए। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है पास में, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं तो जैसे फ्यूचर बड़ी फास्ट चेंज हो रहा है, फॉरएवर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्यूचर के अकॉर्डिंगली अपने आप को पहले ही रेडी करती जा रही है। ये इन्वेस्टमेंट भी इसी चीज़ को ध्यान में रख के करी गई थी कि फ्यूचर में चीज़ें और बढ़ने वाली हैं, सेटअप और बढ़ने वाला है, रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली हैं, उसी से रिलेटेड फॉरएवर इसको और डे बाय डे और इसमें अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट करके इसको और स्ट्रेंथन करती जा रही है। आई फील प्राउड कि इतने बड़े सिस्टम का मैं पार्ट हूँ जो अपने आप को डे बाय डे स्ट्रेंथन करता जा रहा है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ों के ऊपर करी जा रही है। सो आप यहाँ पे ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका फ्यूचर यहाँ पे कितना सिक्योर है और कितना बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरएवर रिजॉर्ट की। फॉरएवर रिजॉर्ट फॉरएवर की एक सिस्टर कंसर्न है और जब हम $4 बिलियन की टर्नओवर की बात करते हैं तो उसमें इन रिजॉर्ट की टर्नओवर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर फॉरएवर के पास बहुत सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं दुनिया भर में अलग अलग एरियाज़ में, साउथ अफ्रीका में काफ़ी सारे रिजॉर्ट हैं, US में और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में अलग अलग एरिया में काफ़ी सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगेन मुझे और हमारे साथ कुछ टीममेट्स को ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में जाने का मौका भी मिला पास में। डैलस टेक्सस में साउथ फोक होटल है, साउथ फोक रैंच में जाने का मौका मिला, ऐसे ही मनदीप सर को, मनिंदर जी को, ऐसे और अलग अलग टीममेट को और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में जाने का मौका मिला। और बहुत बड़े बड़े लेक रिजॉर्ट्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े जंगल रिजॉर्ट्स भी हैं फॉरएवर के पास। सो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ हैं। सो बीइंग ए फॉरएवर बिजनेस ओनर हमें वहाँ पे काफ़ी सारे प्रिविलेजेस भी मिलती हैं, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, स्पेशल लंचेस, डिनर, ऐसी कुछ चीज़ें करी जाती हैं। सो बहुत ही मज़ा आता है, ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। इन कुछ फ़ोटो वीडियो से आपको आइडिया मिल सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, अलग ही मज़ा आता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ को विज़िट करके, वहाँ स्टे करके और ये सारी चीज़ों को एंजॉय करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन की। ये एक फॉरएवर की अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने शुरू में बात करी, रेक्सर लोगों को सपोर्ट करने में, हेल्प करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और फॉरएवर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, रेक्सर एज एन पर्सन शुरू से ही चैरिटी एक्टिविटीज़ में बहुत बिलीव भी करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का वो पार्ट भी बनते रहे। ये चैरिटी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बड़े स्केल पर चलती रहें और लॉन्ग टर्म में ये सारे प्रोसेस आगे बढ़ते रहें। सो फाइनली फॉरएवर ने 2009 में फॉरएवर लिविंग फाउंडेशन को सेटअप किया। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करती है। रेक्स सर के जाने के बाद 2022 में इसका नाम रेक्स मॉन फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन रख दिया गया है और ये डे बाय डे अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। पास में इंडिया में भी इन्होंने राइज अगेंस्ट हंगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ टैप करके और फ्री मील एक्टिविटीज़ दुनिया भर में काफ़ी सारे कंट्रीज़ में वो एक्टिविटी करी, इंडिया में भी वो एक्टिविटी, इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में वो एक्टिविटी करी। हमें भी मौका मिला उस एक्टिविटी का पार्ट बन के इस चैरिटी प्रोसेस में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करने का। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉरएवर गिविंग दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रही है, चाइल्ड केयर, वुमेन केयर और हंगर जैसे बड़े सारे जो पेनफुल एरियाज़ हैं उनमें फॉरएवर काफ़ी सपोर्ट कर रही है दुनिया भर में लोगों को। ये ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया है ये फॉरएवर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इमेजिन करके देखें कितना बड़ा ग्रुप है, कितना बड़ा सेटअप है और हमारा फ्यूचर कितना ज़्यादा सिक्योर है इतने बड़े ग्रुप का पार्ट बनके। जैसे मैंने शुरू में बताया था
कि हमारी सक्सेस का जो बेस बनने वाला है वो बेस डिपेंड करता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएट हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कितनी है और उसकी फ्यूचर को लेके प्लानिंग कितनी बड़ी है। सो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप अच्छे से समझ लेते हैं यू विल फील प्राउड कि आप कितने बड़े सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं और ये सिस्टम फ्यूचर को कोप अप भी कर रहा है। अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों में फॉरएवर कर रही है पिछले कुछ सालों में कि फ्यूचर रेडी हम डे बाय डे होते जा रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट आज हमें चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा फॉरएवर आगे जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि फ्यूचर को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनके आपका फ्यूचर सेफ, सिक्योर और बहुत बड़ा हो सकता है। फॉरएवर की जो शुरुआत हुई वो दो बेसिक प्रिंसिपल पे हुई, अच्छी सेहत और फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके। सो आज फॉरएवर दुनिया भर में ये दोनों चीज़ों को बड़े सही तरीके से लोगों को सपोर्ट कर रहा है, अच्छी सेहत देने में भी हेल्प कर रहा है और फाइनेंशियली फ्री होके फाइनेंशियली स्टेबल होने में भी फॉरएवर दुनिया भर में लाखों लोगों को सपोर्ट करे जा रहा है डे बाय डे। फॉरएवर की अगर बात करें अच्छी सेहत देने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सेहत देने के लिए हमें हेल्प करते हैं जिसमें शुरुआत होती है एलोवेरा से। बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में फॉरएवर हमें एलोवेरा जो है प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा और बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट की, हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हनी है, हनी से रिलेटेड और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हैं और उसके बाद डेली यूज़ करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करने के लिए बहुत सारे और पर्सनल केयर के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो हमें हेल्दी फिट एंड ब्यूटीफुल रहने में हेल्प करते हैं। और साथ ही फॉरएवर ने इसको बाइंड किया एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस प्लान के साथ जिसमें कोई भी एक आम आदमी जो 18 ईयर प्लस है और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है इसका पार्ट बन के और यहाँ पर मेहनत करके इसको सीख के समझ के शेयर करके लोगों को सपोर्ट करके वो भी यहाँ पर ग्रो कर सकता है। और बहुत सारी और इंसेंटिव्स हैं जिसको पार्ट बन के जिनको अचीव करके आप अपनी लाइफ को बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। सो आपकी जो कंप्लीट नीड है लाइफ की, एक अच्छी सेहत, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योर फ्यूचर और एक बहुत ही अमेजिंग लाइफस्टाइल और दुनिया भर में घूमना फिरना, इंडिया में घूमना फिरना, वो सारी चीज़ों का एक कंप्लीट पैकेज हमें फॉरएवर दे देती है। आप भी इस सिस्टम का पार्ट बन के मेहनत करके ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मेहनत हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेटअप पे तो करनी ही पड़ेगी। सो क्यों ना हम इतने बड़े इतने अमेजिंग सिस्टम में अपनी मेहनत करें और ये सारी चीज़ें हम भी आने वाले समय में अचीव करें। ये कंप्लीट पैकेज है, यहाँ पे आप इसका पार्ट बनके ये सारी चीज़ें अचीव करके ज़िंदगी को मज़ेदार बना सकते हैं। सो लेट्स मेक अ डिसीज़न एंड डू वंडर्स। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।